सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में RV300 RV400 के दोनों वेरिएंट्स, तो सभी के बारे में टॉप स्पीड के बारे में बात करने वाले। टेस्ट वगैरह तो नहीं करने वाले, बट जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है और जो कंपनी ने टॉप स्पीड बताई है तीनों ही बाइक्स की, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले। छोटी सी वीडियो है, पूरी देख लेना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला इस वीडियो में। आपको अच्छे अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो जाके मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और जल्दी इस बाइक को मैं भी खरीदने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं RV300 की टॉप स्पीड की। तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी क्लेम करते हैं 65 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बाइक सबसे छोटा मॉडल है रिवोल्ट का, मतलब सबसे छोटी बाइक है रिवोल्ट RV300। तो इसमें आपको 65 की स्पीड मिलती है, क्योंकि ये बाइक बनी है सिर्फ और सिर्फ डेली कम्यूट सिटी राइड्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी है। 65 तक ही चलाते हैं सिटी में, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई चला पाता होगा, क्योंकि ट्रैफिक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मिल जाती है। जैसे आपको इको में 40 की स्पीड मिलेगी एंड नॉर्मल में आपको 50 की, एंड स्पोर्ट्स में आपको हाईएस्ट स्पीड मिल जाएगी। RV400 में आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, जो कि है बेस एंड प्रीमियम, दोनों में ही आपको सेम पावर वगैरह मिलती है। तो बेस की जो टॉप स्पीड है वो भी 80 है, एंड जो प्रीमियम की जो टॉप स्पीड है वो भी 85 है, मतलब 85 दोनों की, 80 to 85 इतनी टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी हाईवे पर 90 की भी शायद मिल जाए। बाकी इसका भी जल्दी टेस्ट करने वाले हम, टॉप स्पीड का भी, वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो टेस्ट की वीडियो जल्दी आएंगी, टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई के चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 3 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो आपको दोनों ही बाइक्स में मोड्स मिलते हैं, एंड जो इको में जो टॉप स्पीड है RV400 की वो है 45, नॉर्मल में जो टॉप स्पीड है वो है 65, एंड जो स्पोर्ट्स में जो टॉप स्पीड है वो है 85 प्लस। तो इजीली आपको इतनी स्पीड देखने को मिल जाएगी दोनों ही वेरिएंट्स में। तो फुल डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी, जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छी बाइक है, तो मेरे को लगता है कि आपके मन में पक्का एक बार आया होगा क्यों नहीं इस बाइक की टेस्ट राइड ली जाए या फिर इस बाइक को खरीदा जाए, क्योंकि मेरा खुद यार बिल्कुल मन बन चुका है। मेरे पास बाइक है पहले ही, बट मैं फिर भी इस बाइक को लेने जा रहा हूँ कल। यदि मिलती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती तो 1 महीने या फिर 20 दिन बाद मिलनी ही है, तो तब अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी इस बाइक पे। मोटो व्लॉगिंग करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगे। तो गाइस, ये था कुछ आज की वीडियो में, तो सारी डिटेल वीडियोस मैंने पहले ही चैनल पे डाल दिए, तो जल्दी से जाकर देख लो जिसने नहीं देखी। तो बस गाइस, ये तो कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।